ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन विनायक चतुर्थी 2022 शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक चमत्कारिक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है। साल 2022 में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 1 अगस्त सोमवार को है। इस साल सावन माह में आने वाली विनायक चतुर्थी के दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत भी रहेगा, जिससे यह तिथि और भी खास हो जाएगी। विनायक चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं सावन मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ समय, विधि उपाय और व्रत कथा के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सावन विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन विनायक चतुर्थी व्रत तिथि होगी 1 अगस्त सोमवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 अगस्त की सुबह 4:18 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 2 अगस्त सुबह 5:13 पर। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:06 से दोपहर 1:48 तक। आइए अब जान लेते हैं विनायक चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माना गया है। वे अपने भक्तों को हर विघ्न, बाधा और दुख से दूर रखते हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर एक चौकी लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब इस चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं और चौकी पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान करें। अब भगवान गणपति जी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें और उनका तिलक करें। सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को पीले फूल की माला और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डुओं का भी भोग लगाएं। व्रत कथा सुनें। पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर उपवास पूरा करें। आइए जान लेते हैं विनायक चतुर्थी उपाय के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को गेंदे के फूल चढ़ाने और गेंदे के फूल की माला को घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर में सुख शांति बनी रहती है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाने से सफलता प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लेकिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। आर्थिक उन्नति के लिए आज माँ लक्ष्मी को हल्दी की एक गांठ और पीली कौड़ियां अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन कथा अनुसार एक बार भगवान शिव व माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूके और उसे निर्णायक की भूमिका निभाने को कहा। भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन भूलवश बालक ने महादेव को विजयी घोषित किया। बालक की बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। तब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए न्याय कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को श्राप मुक्त कर दिया। तब से यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है।